सो हाय गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग एंड क्योंकि आज मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैंने सोचा थोड़ा ऑफिस का काम करके मैं थोड़ी वॉक के लिए चल जाऊं, थोड़ा ऑलमोस्ट आधा घंटा कार्डियो करने। सबसे पहले तो तुम्हारा भाई घर से निकलने से पहले अपना पंप चेक करता है। हाँ, बाइसेप तो काफ़ी बढ़ गया ही था मेरा क्योंकि क्रिएटिन ले रहा हूँ एंड अब्स भी थोड़े धीरे धीरे से आ ही रहे थे। मैंने सोचा इससे पहले कोई ऑफिस का कॉल आ जाए मैं अपनी वॉक के लिए निकल जाता हूँ। बाहर वेदर तो काफ़ी अच्छा था लेकिन ठंड की वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी एंड एज यूजुअल तुम्हारा भाई अपनी सेक्सी सी बियर्ड देख रहा था। तो ये है वो वाटिका पार्क जहाँ मैं वॉक करने जाता हूँ। पार्क में एंटर होने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। काफी टाइम से नी पेन भी हो रहा था, लगता है तुम्हारे भाई का बुढ़ापा अभी से स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं करता हूँ 15 से 20 मिनट रनिंग। देन मुझे पार्क में एक बार मिल जाता है जहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं ट्राइसेप डिप्स मारूं। डिप्स करते हुए इतना मज़ा नहीं आता तो मैं सोचता हूँ कि इसी बार पे मैं पुशअप्स मारूं। पहले तो लग रहा था कि गिर जाऊंगा बट एनीवेज मैं बच गया था। काफ़ी लग रही थी तो मैंने सोचा कि टी शर्ट उतार के पुशअप्स मारूं बट देन मैंने सोचा पार्क में हूँ तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। देन फाइनली सब होने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से एवोकाडो खाने की सोच रहा था बट मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था तो मैं अपने घर के नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाता हूँ। एवोकाडो तो नहीं मिलता बट मुझे एग्स मिल जाते हैं। देन फाइनली मैं जेप्टो से अपने एवोकाडो ऑर्डर करता हूँ। एवोकाडो कुछ ऐसा सा अंदर से दिखता है बट प्लीज़ गाइस खाने से पहले इसका शेल निकाल देना, ये जो सीड है इसको खाना मत, आपके दांत टूट जाएंगे।
थर्ड इज योर जॉब, वो भी अगर कल रहे या ना रहे। ऑल्सो गाइज, आजकल मैं अपने प्रोटीन के साथ क्रिएटिन भी ले रहा हूँ सिंस मुझे अपना वेट गेन करना है। एंड आफ्टर 30 डेज मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा क्रिएटिन के साथ, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स रहे थ्रू द 30 डेज जर्नी। एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल टेक का 100% क्रिएटिन, ये मुझे पड़ा था 1400 का, इसमें है 133 सर्विंग्स। ये सब करने के बाद मैं अपना जिम निकल जाता हूँ। और भाई कुछ सुना दे, मैं सुनाने की बात कर रहा हूँ तेरे से। सही है भाई, ये सुना रहा है तेरे। वेल गाइस, अभी मैंने टाइम कर ली है और टाइम करके मेरी हालत हो गई है टाइट, क्योंकि वाइड कर रहा हूँ साथ में ग्लोव वाले कर रहा हूँ। बढ़िया, तो मैं फुल हीट मार रही हूँ, बॉडी फुल पंप आ रहा है। डाल दो ना इसको उस पे क्वालिटी में। अरे डाल दे भाई, डाल दे। फ्लेक्स करियो, खड़े होकर फ्लेक्स करियो। टेलीफोन को धक्का मत मार दियो बस। करो ऐसे कर ले। बाबा बाबा जागा का ही बढ़िया। अरे यार पक्का ना बैठ जाओ ना। अबे भाई करते 5 सेकंड हो भी गए। पुशअप्स मार लूं। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद मैंने करा डंबल प्रेस। गाइस एक चीज जरूर नोट करना, अगर कभी भी आपको बॉडी पार्ट मार रहे हो एंड उसी बॉडी पार्ट को आप फ्लेक्स करते हो तो उसमें ज्यादा अच्छा पंप नजर आता है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी मसल की डेफिनेशन काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद मैंने करी इनक्लाइन बेंच प्रेस। इसके बाद मैंने करी डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस पे एक चीज मैंने नोटिस करी कि मेरी आईज नॉर्मल डे से ज्यादा रेड हो रही थी। लास्ट में एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रिएटिन लेने से मेरी मसल डेफिनेशन काफ़ी अच्छी हुई है, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, यू शुड गो फॉर दैट वन। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना डे एंड करता हूँ। एंड मेरे साथ ही है तेजवीर भाई, इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं अपनी बायो में डाल दूँगा, सो डू फॉलो हिम एज वेल। ओके बाय।